हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन बायोग्राफी बडी। आज के इस वीडियो में हम कॉमेडी क्वीन भारती सिंह के बारे में जानेंगे। भारती सिंह एक फेमस इंडियन कॉमेडियन, मॉडल और एक्ट्रेस हैं। वह कई कॉमेडी, रियलिटी और एंटरटेनमेंट शो में नजर आ चुकी हैं। इस सफर की शुरुआत भारती ने कंटेस्टेंट के तौर पर की थी, लेकिन आज वह कई शोज होस्ट करते नजर आती हैं। पैसा चला जाए मुझे कोई डर नहीं है, मेरे में टैलेंट है, मैं दोबारा खड़ी हो जाऊंगी। घर चला जाए मैं दोबारा बना लूंगी। माँ नहीं जानी चाहिए कभी, माँ को दोबारा नहीं बना पाऊंगी। भारती सिंह का जन्म 3 जुलाई 1986 को पंजाब अमृतसर में हुआ था। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। भारती के जन्म के 2 साल बाद ही उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब होते चली गई। भारती जन्म से ही ओवरवेट थी। बड़े होने के बाद जब उन्होंने स्कूल ज्वाइन की, तब उनके मोटापे की वजह से लोग उनका मजाक बनाते थे, जिससे भारती दुखी हो जाया करती थी। भारती बताती हैं कि मैंने मेरे पापा को 2 साल की उम्र में ही खोया, तो उनसे जुड़ी कोई भी बात मेरे साथ नहीं है। माँ ने दोबारा शादी करने की बजाय स्ट्रगल का रास्ता चुना और हमारा ज्यादातर समय गरीबी में बीता। भारती की फैमिली में उनकी मम्मी कमला सिंह, उनकी बड़ी बहन पिंकी सिंह और उनका बड़ा भाई धीरज सिंह है। भारती के पिता की डेथ के बाद उनकी मदर ने अपने तीनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और उनकी स्कूलिंग पूरी कराई, लेकिन भारती की माँ कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। घर की खराब कंडीशन देख कर भारती के बड़े भाई और बहन ने खुद कॉलेज में एडमिशन ना लेकर भारती को ग्रेजुएशन में सपोर्ट किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारती नेशनल लेवल की शूटर और आर्चर रह चुकी हैं। भारती ने पिस्टल शूटिंग में पंजाब को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने स्टेट और नेशनल लेवल पर कई खिताब अपने नाम किए हैं। खेल में अच्छी होने की वजह से पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन्हें स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल गया और वहाँ उन्होंने हिस्ट्री में MA किया। आगे चलकर भारती पिस्टल शूटिंग में करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उनकी फैमिली प्रैक्टिस पर होने वाले खर्च नहीं उठा सकती थी, जिसकी वजह से उनका यह सपना अधूरा रह गया। तब भारती ने अपना करियर कॉमेडी में आजमाने का सोचा। उस समय स्टैंड अप कॉमेडी में ज्यादातर मेल कंटेस्टेंट ही होते थे, तो वहाँ भारती को जाता देख उनके रिलेटिव्स ने बहुत सी बातें बनाई और यह करियर चूज करने को मना किया। भारती अपने फ्रेंड सर्कल में हंसी मजाक करती रहती थी, इसलिए उनके फ्रेंड्स ने उन्हें सजेस्ट किया कि वे ऑडिशन दें। उन्होंने अपना पहला ऑडिशन दिया, लेकिन 2 महीने बीत गए, कोई कॉल नहीं आई। 2 महीने बाद भारती को एंडेवल कंपनी से कॉल आया। उस समय भारती को लगा कि कोई अंडे बेचने वाली कंपनी का कॉल है, क्योंकि वह इंग्लिश में बात कर रही थी, तो भारती ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर दोबारा कॉल आया, तब कंपनी ने उन्हें समझाया कि जो ऑडिशन उन्होंने दिया था उसमें उनका सिलेक्शन हो गया है। यहाँ से भारती की जिंदगी बदल गई। इसके बाद इन्हें पहली बार द ग्रेट इंडियन लाफ्टर सीजन 4 शो में कंटेस्टेंट के तौर पर मौका मिला, जहां उन्हें ऑडियंस का खूब प्यार मिला। भारती इस शो की सेकंड रनर अप रही। अच्छा, टीचर ने अपना नाम बताया? नहीं। क्या कह रही थी? नाम नहीं बताना मैंने। क्यों क्यों? मुझे ऊपर से पढ़ाया भी नहीं। पढ़ाया भी नहीं? क्यों नहीं पढ़ाया? लॉलीपॉप इतना छोटा थी। उसके बाद उन्होंने कॉमेडी सर्कस के 4 अलग सीजन, कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का, कॉमेडी सर्कस महासंग्राम जैसे कई कॉमेडी शोज में पार्टिसिपेट किया। भारती सिंह एक बेहतरीन होस्ट भी हैं और उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट, कॉमेडी नाइट्स बचाओ आदि कई टीवी शोज में होस्टिंग की है। साथ ही वह द कपिल शर्मा शो में भी अपनी कॉमेडी से सभी को हंसाती रहती है। कपिल और भारती अच्छे दोस्त हैं। यहाँ तक कि 2017 में उन्होंने कॉमेडी टीवी शो कॉमेडी दंगल को भी जज किया। कॉमेडी और डांस रियलिटी शो के अलावा उन्होंने आई कैन डू इट और फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 जैसी कई अन्य रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया है। भारती टीवी के अलावा बॉलीवुड और पंजाबी मूवीज में भी काम कर चुकी हैं। आज भारती को हर कोई अपने शो में फीचर करना चाहता है। भारती की पर्सनल लाइफ की बात करें तो भारती की 2017 में हर्ष लिम्बाचिया से शादी हुई। भारती और हर्ष की मुलाकात कॉमेडी सर्कस के सेट पर हुई थी, जहां हर्ष एक जूनियर राइटर थे। उन्होंने एक बार भारती के एक्ट की स्क्रिप्ट लिखी, यहीं से उनकी दोस्ती हुई। इसके बाद करीब 1 साल बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया।
दोनों ने 7 साल तक एक दूसरे को डेट किया और इस दौरान उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताया। हर्ष ने भारती से प्रॉमिस किया था कि वह उनसे शादी तभी करेंगे जब तक वह अपने करियर में सक्सेस नहीं हो पाते। इसके बाद दोनों ने ही अपने अपने करियर पर फोकस किया और हर्ष एक जूनियर राइटर से लीड राइटर बने। दोनों की फैमिली ने भी दोनों को काफी सपोर्ट किया और फैमिली की रजामंदी से ही दोनों ने 3 दिसंबर 2017 को शादी की। और आपको बता दें कि 1 महीने पहले ही भारती ने अपने बेटे को जन्म दिया, जिसे भारती और हर्ष प्यार से गोला बुलाते हैं। फिलहाल भारती और हर्ष खतरा 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 शो से सबका एंटरटेनमेंट करते हैं। हर्ष इस शो के प्रोड्यूसर और राइटर हैं। आज भारती इंडियन टेलीविजन की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग आर्टिस्ट में से एक है और यह मुकाम उन्होंने अपनी मेहनत से पाया है। तो ये थी कॉमेडी क्वीन भारती सिंह की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और ऐसी इंटरेस्टिंग बायोग्राफीज के लिए हमारे चैनल इंडियन बायोग्राफी बडी को सब्सक्राइब करें।